नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के कुछ ऐसे ऐतिहासिक क्षणों पर एक नजर डालने जा रहे हैं। इस पार्टी ने भारत के पॉलिटिकल और सोशल परिदृश्य को आकार देने और उसको निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं कांग्रेस से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातों को। नंबर वन, इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से भारत की आजादी के लिए लड़ने के उद्देश्य से की गई थी। इस कांग्रेस पार्टी की स्थापना एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा की गई थी और उमेश चंद्र बनर्जी इस पार्टी के पहले प्रेसिडेंट बने। इस पार्टी का पहला सेशन 72 लोगों द्वारा अटेंड किया गया था, जिसमें विलियम वेडरबर्न, दादा भाई नारोजी और फिरोज शाह मेहता जैसे रिप्रेजेंटेटिव शामिल थे। पार्टी ने स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसका गठन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। नंबर टू, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया, जिसने भारतीयों से ब्रिटिश वस्तुओं और संस्थानों का बहिष्कार करने का आग्रह किया। मूवमेंट के शांतिपूर्ण विरोध ने भारतीयों की एक पीढ़ी को स्वतंत्रता के संघर्ष में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। हमारे इस चैनल पर हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पर भी एक वीडियो तैयार किया है, जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। नंबर थ्री, नमक सत्याग्रह। 1930 में महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया, जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण क्षण था। इस अभियान में नमक इकट्ठा करने के लिए अरब सागर तक एक मार्च शामिल था, जिस पर अंग्रेजों ने रोक लगा दी थी। नमक सत्याग्रह एक नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस और सविनय अवज्ञा का एक शक्तिशाली प्रदर्शन था, जिसने दुनिया भर के लोगों को प्रेरित किया। नंबर फोर, भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया, जिसने भारत में ब्रिटिश कॉलोनियल शासन को तत्काल समाप्त करने की मांग की। आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण पल था और महात्मा गांधी सहित कई कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी भी हुई। इस विषय पर भी हमारे चैनल पर एक वीडियो उपलब्ध है, जिसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। नंबर फाइव, भारत की स्वतंत्रता। 1947 में भारत ने अंततः ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत की स्वतंत्रता देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवसर था। नंबर सिक्स, भारत का पहला जनरल इलेक्शन। 1952 में भारत ने अपना पहला आम चुनाव आयोजित किया, जिससे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की शुरुआत हुई। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण बहुमत जीता और जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। ये ऐसे कई ऐतिहासिक पलों में से कुछ थे जिन्होंने भारत के राजनीतिक और सामाजिक लैंडस्केप को एक नया आकार दिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाने की भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आप इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऐतिहासिक क्षणों के बारे में क्या सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और हम आपसे मिलेंगे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।